ये पिछले 10-12 दिन से प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, गैस ना कम चढ़ रही है यार सिलेंडर पे। मतलब चढ़नी होती मेरे हिसाब से लगता है कि भाई 600-650 की आ जाएगी, आती वो 500 की है। फाइनली पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित विभूति खंड में बना हुआ रोहतास प्लूमेरी, क्या है यार उसके आगे बताते हुए बहुत ही ज्यादा हर्ष उल्लास खुशी बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास ना यार राइड आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइस, तारीख है आज अपनी 30 मार्च 2024 और समय हो रहा है दोस्तों, यहां से ना गाड़ी मुड़ जाने देते हैं हम लोग, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज यार स्टेयरिंग का रोटेशन करना रहता है ना। ये देखो भाई 10:25, मतलब 10:30 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं यार अभी बिल्कुल, मतलब आप ये समझो कि अपने घर से निकल के ना 200-250 मीटर दूर आया हूँ। मतलब अभी जा रहा हूँ यार सीधे सीएनजी डलाने, क्योंकि गैस अपने पे है नहीं यार। कल मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, गैस अपने में वही एक पॉइंट जो रात वाला था ना वही है। कभी भी ये वो लग सकता है, क्या बोलते हैं, रिजर्व लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो वो यार चलते हैं, अभी फिलहाल ना हम लोग गैस को फुल करवाते हैं, और डिवाइस भी अभी मैंने ऑन नहीं करी है, तो डिवाइस को भी मुझे ऑन करना है। और दोस्तों आपको सामने ना काफी ज्यादा सन्नाटा दिख रहा होगा, और उस सन्नाटे का मुख्य कारण ये है कि दोस्तों आज ना है कानपुर में गंगा मेला, ठीक है। और गंगा मेला का कॉन्सेप्ट दोस्तों ऐसा होता है कि होली से ज्यादा भाई गंगा मेला में रंग खेला जाता है यहाँ पे, है ना। अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा जो गंगा मेला का कलर चलता है ना वो बिरहाना रोड की तरफ चलता है। बिरहाना रोड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा यार, है ना। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपर सन्नाटे ही मिलेगा, और आज यहाँ पे छुट्टी भी होती है, ठीक है, कुछ नहीं खुला मिलेगा जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे। और सामने हुए सन्नाटे और लोगों के रंगे पुते कपड़ों से आप अंदाजे लगा सकते हैं कि भाई साहब होली से ज्यादा बड़ा यहाँ पे ना गंगा मेला होता है भाई, समझ रहे हो। तो अभी ना अपन लोग यार चलते हैं सीधा, गैस को फुल करवाते हैं, और फिर देखते हैं यार हम लोगों का काम आज छुट्टी वाले दिन, मतलब गंगा मेला वाले दिन आता है कि नहीं आता है। मे भी यार पता है सिर्फ कानपुर में ही होता है, तो हमें नहीं लगता काम नहीं आएगा, मे भी कि आ ही जाएगा यार, एक राइड भी यहाँ से यार मिल जाए, बाकी तो फिर कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और कहीं मनाया भी नहीं जाता है, मनाया भी नहीं जाता है ना। अब आप यहाँ पे भी देखो रोडों पे ना भयंकर सन्नाटा भाई, देखो मतलब गाड़ियाँ आपको दिखेंगी ही नहीं जल्दी, ठीक है, क्योंकि आज वो है ना, तो इसकी वजह से फिर ये है। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं, गैस को फुल करवाते हैं, और गैस फुल करवा के ना डिवाइस भी ऑन करनी है, अभी ऑन है नहीं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है यार दोस्तों आज के काम का अपना, ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग, और इसको ना ये जो बिल्कुल एक पे है ना इसको बिल्कुल ऊपर तक लेके जाते हैं, ठीक है ना गाइस। सो गाइस मैं बता दूंगा आपको कि गैस ना अपनी फुल हो चुकी है, डिवाइस अपनी ऑन हो चुकी है, और रोडों पे भाई साहब एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, काफी ज्यादा सन्नाटा है। और भाई टाइम की अगर बात करी जाए तो गैस फुल करवाते करवाते मुझको 10:40 हो गया है, और गैस की सुई भी आप देख सकते हो भाई इसी टाइप की फुल हुई है यार, क्योंकि 480 में फुल भी हो गई यार, है ना, कांटे बिल्कुल ऊपर नहीं गया है। इस समय हम थोड़ा सा परेशान है यार अपनी गैस से, मतलब दिक्कत ये आ रही है इस समय यार कि ना, मतलब चूंकि हमको ऐसा लग रहा है कि यार जो गैस का सिलेंडर अपना सीएनजी वाला उसको साफ करवाना पड़ेगा, उसकी वजह से ना यार गैस अपने में कम आ रही है। मतलब ये पिछले 10-12 दिन से प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, गैस ना कम चढ़ रही है यार सिलेंडर पे। मतलब चढ़नी होती मेरे हिसाब से लगता है कि भाई 600-650 की आ जाएगी, आती वो 500 की है, फिर वो कम आती तो फिर वो कम चलती है। तो ये बड़ा दर्द चल रहा है इस समय मेरे साथ, इसको ना सही करवाना पड़ेगा, जब तक इसको सही नहीं करवाएंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। और फिलहाल ना जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि डिवाइस जो है ना वो मैंने ऑन कर लिया, तो भाई साहब आप देख सकते हो ऑन है, आउट स्टेशन के लिए ऑन है, और भाई आज छुट्टी का दिन है तो देखते हैं यार क्या होता है, काम वाम आता है कि नहीं आता। फिलहाल गाड़ी अपनी वहाँ लगाते हैं, फिर अपने निखिल भैया की दुकान चलते हैं, और फिर ना बढ़िया चाय वाय पीते हैं यार गाइस, ठीक है, और काम का वेट करते हैं। दोस्तों यार पता है अपने पास ना यार आज छुट्टी वाले दिन भी राइड आ चुकी है, वो भी आउट स्टेशन की आ चुकी है ब्रो, समझ रहे हैं आप लोग। और भाई जो अपना पिकअप था ना, एक्चुअल में जो राइड थी वो लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही आ गई थी यार भाई, है ना, लेकिन जो पिकअप था वो लगभग 12:15 का था यार, मतलब मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप 12:15 का पिकअप था। तो इसकी वजह से यार भाई मैं अभी निकला, 11:57-56 हो रहा है यार भाई, है ना, तो मैंने सोचा जो है 12 बजने में जब 5 मिनट बचे हों तभी निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर से पिकअप था नहीं, 1.5 किलोमीटर से पिकअप था, तो हमने सोचा आसानी से पहुँच जाएंगे, तो ये सोच के ना भाई मैं अभी निकला, तो 5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पिकअप लोकेशन पर पहुँचने में, बात हो चुकी है, प्राइम की राइड है भाई, तो बिल भी
नो डाउट यार अच्छा ही बनेगा। तो चलते हैं यार, देखते हैं ये वाली राइड को कंप्लीट करते हैं। बस ये है यार कि वहाँ से राइड का सीन बन जाए यार, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहीं से दिक्कत होती है, बाकी यहाँ से तो बच ही गई है ना ब्रो। चलते हैं राइड कंप्लीट करते हैं, बिल देखते हैं और बाकी वहाँ का सीन देखते हैं, ठीक है ना गाइस। सो गाइस, मैं ना यार फाइनली पहुंच चुका हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित विभूति खंड में बना हुआ रोहतास प्लूमेरी क्या है यार उसके आगे रोहतास है भाई, इतना हमको पता है, समझ रहे हैं। तो अभी ना यार गाइस मैं अपने जो कस्टमर थे उनको ड्रॉप करके बाहर निकल रहा हूँ यार ब्रो। और ये वाली जो अपनी राइड थी ना, ये प्राइम की राइड थी, इसका ऑपरेटर हम लोगों को कैसा मिला ये देखने वाला रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी राइड थी भाई, विभूति खंड आना पड़ा भाई हम लोगों को विभूति खंड। तो अभी यार रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का किधर से है, सीधे से ही होगा मे बी, क्या लगता है आपको, ये गेट सामने वाला निकलने वाला है? तो यार पता है एक बार हम यहाँ पे और भी आ चुके हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं। चलो यार दोस्तों यहाँ से पहले बाहर निकलता हूँ, उसके बाद फिर ना जगह देख के गाड़ी रोक के फिर मैं आपको ऑपरेटर बिल दिखाऊंगा, है ना यार। यहाँ से पहले बाहर निकलता है। दोस्तों यार मैं ना इस वाली रोड पे आ चुका हूँ और ये अपना भाई जो रोहतास था ना जिसके अंदर से हम अभी बाहर निकले हैं, तो उसी के जस्ट पीछे वाले की तरफ वाला रोड है भाई, है ना। मतलब हम लोग सीधे जाएंगे और लेफ्ट लेंगे तो अपना शहीद पथ आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहीं पे यार हमको जगह मिल गई थी तो हम यहीं पे ही रुक गए थे भाई, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि भाई जहाँ पे मैं रुकूंगा वहाँ पे मैं आपको ऑपरेटर बिल दिखाऊंगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि काफी लंबी राइड थी भाई ये वाली, ठीक है। तो अभी ना अपने सामने ऑपरेटर बिल रहा ये, मतलब आपके सामने, मेरे सामने तो है ही। तो भाई 1783 का तो भाई बिल आया था, ठीक है, जो कैश आया है अपने पास में, तो मतलब मोटा मोटा 1800 रुपए का तो आप ये मान लो, ठीक है। बिल इसमें हम लोगों को कितना मिला है, 1481 रुपए का तो हम लोगों को ऑपरेटर बिल मिला है, 100 रुपए का डेली अलाउंस मिला है, तो 1481 प्लस 100 रुपए हो गया अपना 1581, मतलब कि 1581 का मोटा मोटा ऑपरेटर हम लोगों को इस साइड का मिला है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टोल पे, जो के भाई साहब आज एक बार फिर से 140 का टोल रिफंड हुआ है भाई, ठीक है, तो 140 का मिल गया भाई। तो आज का सीन फिर से वही रहने वाला है, वापसी का जो टोल मिलेगा वो अपनी जेब के अंदर जाएगा, क्योंकि जो अप डाउन का टोल है वो तो हम लोगों को यही मिल गया 140 रुपए का, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ले दे के ना भाई, ये वाली राइड काफी ज्यादा सही थी, इसमें पता है अच्छा खासा भाई वो लगा था यार कूपन, नहीं तो देखो ना भाई बिल इसका टोटल अगर वैसे बनता बिना कूपन का तो 2170 बनता, लेकिन अभी कितना बना, मतलब कैश कितना आया अभी, 1783 आया केवल और केवल, है ना। तो मतलब बहुत गंभीर वाला कूपन लगा था भाई भाई इस राइड पे, है ना। तो भाई कुल मिला के ये वाली राइड काफी ज्यादा सही थी भाई। अभी 2:44 हो रहे हैं, तो यहीं पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पे वेट करते हैं और देखते हैं भाई साहब राइड अपनी कितनी देर में आती है यहाँ से। हम सोचे 6-7 बजे तक यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद अगर नहीं आती तब तक तो फिर यहाँ से एयरपोर्ट निकला जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो वेट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है, ओके मेरी जान। तो गाइस मैं बता दूं और बताते हुए बहुत ही ज्यादा हर्ष उल्लास खुशी बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास ना राइड आ चुकी है। समय की बात करें तो 4:25 है और गैस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक डंडी बची हुई है और अभी हम जा रहे हैं कस्टमर को उठाने, मतलब ये देखो भाई 2 मिनट का पिकअप बचा हुआ है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं यार, राइड काफी दूर से आई थी मेरे पास, हम गोमती नगर थे और 12 किलोमीटर से राइड आई थी। तो देखते हैं यार सीन क्या रहने वाला है, इस राइड का बिल बिल कितना आएगा। फिलहाल हम आ चुके हैं जानकीपुरम के पास में राइड उठाने, तो चलते हैं यार देखते हैं बिल वगैरह कितना आता है, अच्छा ही आएगा मे बी, है ना। चलते हैं यार गाइस, ठीक है। दोस्तों यार पता है आप लोगों को अभी फिलहाल मैं कल्याणपुर के पास हूँ, कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन आप ना एक अंदाजा लगा सकते हो कि लखनऊ से कानपुर आने में कितना ही समय लग सकता है भाई। मतलब हमको आज 4 घंटे लगे, 4 घंटे। बिल भी भाई भयंकर ताबड़तोड़ आया है, मतलब बेहतरीन वाला भाई, देख के मजा आ गया भाई। ऑपरेटर भी बहुत शानदार मिला है हमको यार, मतलब सारी चीजें अच्छी हैं। और कस्टमर को छोड़ करके मैं अपने घर की तरफ बढ़ भी चला हूँ, यहाँ पे मैं अपना लोकल राइड ऑन कर सकता था, बट यार पता है मेरे अंदर भूता बिल्कुल नहीं बचा हुआ था लोकल राइड करने का। हमने सोचा यार इसी तैसे में जाए भाई, डिवाइस ऑफ करी और उनकी गली से निकले और भाई जीटी रोड पकड़ा। अब मैं सीधे अपने घर की तरफ जा रहा हूँ यार, हमने कहा बाहर में जाए कमाना तो रोज ही, और कमा भी आए ही हैं आज भाई, है ना। एक राइड 100-200 रुपए की मार के हम कौन सा कुछ उखाड़ लेंगे, कौन सा मेरा मकान बन जाएगा भाई। तो ये चीज सोच के ना भाई मैं निकल आया यार, मैंने कहा इसी तैसे में जाए भाई, अकेले चलते हैं भाई, है ना। तो फिलहाल निकल आया हूँ। अब हम लोग ये बात करें कि टोटल अपनी गाड़ी कितनी चली थी इस राइड पे, पता है आप लोगों को
एक्चुअल में जब राइड आई थी ना तो उसमें किलोमीटर भी ज्यादा दिखा रहे थे कि इतनी ज्यादा किलोमीटर चलेगी, और बिल भी उसमें काफी ज्यादा दिखा रहा था, 2800 रुपए दिखा रहा था भाई। ठीक है, उसने दूसरा रूट ले लिया था ओला के मैप ने, ठीक है, तो इसकी वजह से बिल ज्यादा दिखा रहा था। हमने सोचा कि भाई उस रास्ते से आएंगे, मतलब जो नॉर्मल है अपना, तो 120 के आसपास गाड़ी चलेगी भाई, जानकीपुरम इतना ही है, 120 122 के आसपास है ना, तो हमने सोचा इतनी ही गाड़ी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बिल कम हो जाएगा। लेकिन भाई बिल ही नहीं कम हुआ, गाड़ी कम ही चली लेकिन भाई बिल कम हुआ ही नहीं। अब अभी ना हम लोग यहाँ पे किनारे गाड़ी को रोकते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब बिल आ कितना गया है, मतलब यार पूछो ही नहीं कितना आ गया है, बस हम आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, मजे ही आ गए भाई, इतना तगड़ा बिल आया है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने ऑपरेटर बिल पे, जो कि भाई आज कैंसिल नहीं हुई भाई लखनऊ में, अच्छा नहीं नहीं एक हुई थी यार लखनऊ में, ये देखो भाई कैंसल्ड बाय कस्टमर लखनऊ में हुई थी, ये फेक राइड थी, तो ये तो हम लोगों की जाने वाली थी जो कि हमने आपको दिखाई थी, ये है आने वाली, आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ खुल्ला भाई, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग आते हैं बिल पे, जो कि आया था 2682 रुपए, मतलब आप समझ रहे हो लगभग 2700 रुपए के आसपास बिल आया है भाई, और 2682 जो ये बिल आया था तो कस्टमर हमको 2700 ही देके गए भाई, ठीक है, क्योंकि फुटकर मेरे पास थे ही नहीं भाई, मतलब हमेशा तो हम बोल ही देते थे ऐसे ही कि नहीं ऐसा, लेकिन आज वाकई में नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं रख लो, तो 2700 पूरे मिल गए। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अपने ऑपरेटर बिल पे, जो कि भाई साहब बहुत ज्यादा शानदार मिला है भाई, ये देखो योर अर्निंग 2041 रुपए का हम लोगों को ऑपरेटर मिला है, साथ में 100 का डेली अलाउंस, तो हो गया अपना 2141, मतलब भाई 2141 रुपए हमको शायद आज पहली बार मिला है इतना ज्यादा ऑपरेटर लखनऊ से कानपुर का, ठीक है 2141 डेली अलाउंस मिलाने के बाद। फिर आते हैं हम लोग टोल पे, तो टोल हम लोगों को 90 ही मिला इस वाली राइड पे, ठीक है ये भी अपनी बचत पे ही जाएगा, क्योंकि जाने वाली की राइड पे हम लोगों को 140 का टोल मिला था, तो वो अप डाउन का ही होता है, तो टोटल ऑपरेटर बिल पे हम लोग ये 90 भी ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने दोपहर में आप लोगों से बताया था। और अब ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ समय, जो कि भाई साहब मैं बता रहा था भाई 3 घंटे 50 मिनट लग गए, और ये जो गाड़ी है ना 164 किलोमीटर, चूंकि ये दूसरे रूट से ओला दिखा रहा था तो इसकी वजह से उसने पूरा ही ले लिया, वो समझ रहे हैं, गाड़ी मेरी 119.8 किलोमीटर चली थी कस्टमर को छोड़ने में, ठीक है क्योंकि हमने जीरो कर लिया था। अभी भी भाई अगर आपको हम दिखाएं ना तो टोटल 124 किलोमीटर चल चुकी है, 19 के बाद जो है 5-6 किलोमीटर हम कस्टमर के घर से उनको छोड़ करके इधर साइड आ गए हैं विश्वविद्यालय की तरफ, है ना भाई, तो ये सीन है। तो ले देखे अपनी गाड़ी टोटल चली थी ऑलमोस्ट 120 मान लो आप, ठीक है इसमें लेकिन 164 का बिल आ गया, इसकी वजह से ही ये बिल इतना ज्यादा है, ठीक है। तो आप अगर हम लोग बात ये करें कि हम लोगों का टोटल ऑपरेटर बिल कितना है, तो वो इतना है भाई 3723 रुपए, लखनऊ के अप डाउन का ऑपरेटर बिल भाई 3723 रुपए, और इसके साथ ना इस 3723 रुपए में हम लोग ऐड करेंगे 90 रुपए जो कि भाई टोल का भी मिला है हम लोगों को, ठीक है, तो 3723 प्लस 90 हो गया अपना 3813, राउंड फिगर के लिए हम लोग उसको 3800 का रखते हैं, ठीक है। अब 3800 के बाद समय की बात करें तो 8:42 होने जा रहा है, मतलब के 9 बजने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 3800 रुपए के ऑपरेटर बिल को कमाने में हम लोगों की टोटल गैस कितनी लगी, अब हम लोग इस पे आते हैं। तो गैस ना टोटल दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने सुबह एक फुल करवाई थी, 480 रुपए की आई थी उस समय, ठीक है। उसके अलावा फिर जब हम लखनऊ से चले थे तो फिर हमने 500 रुपए की और डलाई थी, मतलब ले दे के भाई टोटल आज मैंने गैस डलाई है लगभग 1000 रुपए की, और उस 1000 रुपए की गैस डलाने के बाद अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम है कितनी गैस, वो भाई मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास इतनी है, घर जाते जाते मुझे पता है कि ये डंडी इस पे आ जाएगी, ठीक है, और सुबह इसी डंडी पे थी जब हम लोगों ने गैस डलाई थी। तो आप ये मान लो कि पूरी पूरी ना सुबह की जो 480 की थी वो, और 500 रुपए की जो आते समय डलाई थी वो, मतलब 1000 रुपए की पूरी गैस लगी है भाई हम लोगों को लखनऊ का अप डाउन करने में, चूंकि भाई जिनको लेके गए वो भी हम लोग विभूतिखंड लेके गए, विभूतिखंड के बाद फिर राइड भी जानकीपुरम से आई 12-13 किलोमीटर, वो गए फिर जानकीपुरम से हम लोग कल्याणपुर 12 सिरोही के पास आए, वो 119.8 लगभग 120 किलोमीटर, तो गाड़ी ना काफी ज्यादा चली, चूंकि एवरेज तो अच्छी गाड़ी देती ही है अपनी, लेकिन सीन ये है कि भाई लखनऊ वाला जो रोड है उस पर इतना अच्छा एवरेज नहीं मिल पाता है। तो भाई 1000 रुपए की पूरी पूरी गैस लग चुकी है भाई, ठीक है। तो आप ये समझो कि 3813 मतलब 3800 रुपए का राउंड फिगर था ना, 3800 रुपए में हम लोग 1000 रुपए गैस का हटा भी देंगे तो भी भाई हम लोगों का 2800 रुपए बच जाएगा, जो कि अपनी आज की बचत है भाई, मतलब गैस हटाने के बाद भी भाई 2800 रुपए बच गए हैं,
समझ रहे हो दोस्तों आप लोग, मतलब आज का दिन भाई ना मतलब कतई जहर था भाई। जबकि आने वाली जो राइड है ना भाई, जिसका भी लिए 2682 हमने आपको दिखाया, ये मिनी की थी। अगर सोचो ये प्राइम की होती तब तो भाई हमें लग रहा 3000 रुपए आ जाता है ना यार गाइस, मतलब यार तगड़ा था यार कुछ भी को। एक्चुअली ये बिल पता है वो जो ज्यादा किलोमीटर का उसमें ले लिया ना उसकी वजह से आया, अदरवाइज इतना नहीं आता। बहुत ज्यादा बिल आता तो बिल आता 2100 रुपए 2200 रुपए, हमको मिलता 1600 रुपए 1700 रुपए बस। लेकिन वो उसकी वजह से ना, दूसरा रूट दिखाने की वजह से जो है भाई बिल इतना आ गया। तो फिलहाल ना दोस्तों अभी हम लोग सीधा घर चलते हैं क्योंकि 9 बजने जा रहा है। 4 घंटे भाई ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे हमारी अड़िया आ गई है भाई, समझ रहे हैं क्यों अड़िया आ गई है? क्योंकि भाई 4 घंटे समझो आप कानपुर से इलाहाबाद आ जाता भाई, आगरा आ जाता, उतनी देर में हम लखनऊ से कानपुर आए भाई, है ना। तो अभी ना सीधा चलते हैं दोस्तों घर। बाकी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना गाइस फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मुलाकात होगी कल आपसे एक नई और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।